टी20 के अंदर नंबर वन टीम कौन? टीम इंडिया। वनडे के अंदर नंबर वन टीम कौन? टीम इंडिया। टेस्ट के अंदर नंबर वन टीम कौन? टीम इंडिया। वर्ल्ड कप 2023 के अंदर टीम इंडिया का राज चल रहा है और वर्ल्ड कप 2023 की पॉइंट्स टेबल के ऊपर भी टीम इंडिया का ही राज है। लेकिन अब जैसी लेटेस्ट रैंकिंग्स आई, एक चीज और बड़ी अपडेट लेकर आए आपके सामने, जहां पर टीम की रैंकिंग तो नंबर वन है, प्लेयर रैंकिंग के अंदर भी टीम इंडिया की बादशाहत नजर आ रही है, जहां पर नंबर वन ओडीआई प्लेयर बन चुके हैं शुभमन गिल। लंबा इंतजार था, काफी लंबे समय से उस रेस के ऊपर लगे हुए थे कि नंबर वन कब बनेंगे, कब बनेंगे, कब बनेंगे, कब बाबर आजम को डीथ्रोन करेंगे, और अब वो घड़ी आ चुकी है। लेटेस्ट ताजा आईसीसी रैंकिंग्स के अंदर शुभमन गिल नंबर वन ओडीआई बल्लेबाज बन चुके हैं, बाबर आजम को उन्होंने डीथ्रोन कराया, और लंबे इंतजार के बाद जो सबको टीम इंडिया फैंस को इंतजार था कि शुभमन गिल नंबर वन पर कब पहुंचेंगे, पहुंच चुके हैं शुभमन गिल नंबर एक बल्लेबाज बन चुके हैं ताजा आईसीसी रैंकिंग्स के अंदर। इसके अलावा शुभमन गिल के अलावा सिराज मोहम्मद सिराज भी नंबर वन के अपने ताज ऊपर वापस से पहुंच चुके हैं। जो शाहीन शाह अफरीदी थे उन्होंने डीथ्रोन किया था मोहम्मद सिराज को, और पहले मोहम्मद सिराज ऊपर थे, फिर शाहीन शाह अफरीदी ऊपर आ गए थे, अच्छा परफॉर्मेंस दिया था उन्होंने दो तीन मैचेस के अंदर। उसके बाद लेकिन अब दोबारा से अच्छा परफॉर्मेंस किया मोहम्मद सिराज ने श्रीलंका वाले मुकाबले के अंदर, और जो साउथ अफ्रीका वाला मुकाबला था उसके अंदर भी अच्छी गेंदबाजी की थी, और कहीं ना कहीं शाहीन शाह अफरीदी की थोड़ी सी मिसिंग लाइन और लेंथ थी, विकेट लेस गए थे अपने पिछले मुकाबले के अंदर। इसकी वजह से अब शाहीन शाह अफरीदी नीचे हो गए हैं और नए ताजा ताजा नंबर वन गेंदबाज बन चुके हैं कौन? मोहम्मद सिराज। और विराट कोहली ने जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं ओडीआई क्रिकेट के अंदर, वर्ल्ड कप 2023 के अंदर जो पिछला मुकाबला आया था उसके अंदर शतक किया था विराट कोहली ने, 49वां शतक किया था, और उसके बाद विराट कोहली की रैंकिंग्स के अंदर भी लंबा उछाला में देखने को मिला है, जहां पर विराट कोहली चौथे नंबर पर आ चुके हैं। कौन कौन से कैसे कैसे राज है टीम इंडिया का रैंकिंग्स के अंदर, आइए नजर मार। सबसे पहली चीज तो भाई आप एक बार पहले टीम्स के ऊपर नजर मार लो कि तीनों फॉर्मेट्स के अंदर इंडिया 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 नंबर वन है। उसके अलावा नंबर वन ओडीआई गेंदबाज है मोहम्मद सिराज जो कि टॉप के ऊपर है, नंबर वन टेस्ट गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन टॉप के ऊपर है, नंबर वन ओडीआई बैटर शुभमन गिल जो कि टॉप के ऊपर बैठे हुए हैं, उसके अलावा नंबर वन बल्लेबाज टी20 का कौन है? सूर्य कुमार यादव। तो यानी कि ये दहशत है टीम इंडिया की इस पूरे वर्ल्ड कप के अंदर, जिसकी वजह से एक बड़ी बढ़ोतरी हमें देखने को मिली है रैंकिंग्स के अंदर भी। तो जो ताजा आईसीसी रैंकिंग है उसके अंदर 830 अंक के साथ शुभमन गिल टॉप पर है, बाबर आजम दूसरे नंबर पर आ गए 824 रैंक के साथ, और क्विंटन डिकॉक तीसरे नंबर पर 771, और विराट कोहली 770 के साथ चौथे नंबर पर, रोहित शर्मा छठे नंबर पर मौजूद है, सेम इनका स्पॉट है, बाकी डेविड वॉर्नर, राशि वेंडेडूसन, हारी टेक्टर और हेनरी क्लासन, डेविड मलान। यानी कि अगले आप रैंकिंग्स के अंदर कह सकते हैं कि विराट कोहली दूसरे या तीसरे नंबर पर तो एटलीस्ट आ ही जाएंगे शुभमन साउथ अफ्रीका को डीथ्रोन करके, लेकिन उसके लिए दोनों को ही यहाँ पर क्विंटन डिकॉक खराब परफॉर्म करना पड़ेगा और विराट कोहली को लगातार अच्छा करना पड़ेगा। मोहम्मद सिराज टॉप पर आ चुके, केशव महाराज दूसरे नंबर के ऊपर, और कुलदीप यादव चौथे नंबर की ऊपर पहुंच चुके हैं, लंबी छलांग इनको भी मिली है, और इसके अलावा भारतीय की अगर मैं बात करूं तो राशिद खान सातवें पर आ चुके हैं, जसप्रीत बुमराह सातवें पे थे, वो एक पायदान नीचे खिसक के आठवें नंबर पर आ चुके हैं, यानी कि कुलदीप यादव को लंबी छलांग देखने को मिली है। तो ये कुछ ताजा आईसीसी रैंकिंग्स, और ग्लेन मैक्सवेल को भी ओडीआई के ऑलराउंडर्स कैटेगरी के अंदर लंबा छलांग हमें देखने को मिला, छठे नंबर पर वो आ गए, यानी कि रैंकिंग्स के अंदर बादशाह टीम इंडिया की चल रही है लगातार, चाहे वो टीम हो चाहे वो प्लेयर रैंकिंग हो, लेकिन अब इन रैंकिंग से काम नहीं चलेगा, हमें वर्ल्ड कप ट्रॉफी चाहिए, और वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीतनी ही पड़ेगी। फिलहाल इसी